को मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन, दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बॉलीवुड नजर, यहाँ पे एकदम मिडल यहाँ पे जी. मेरा सवाल है जॉन अब्राहम से. जॉन सर, शूट आउट ऑफ वडाला के बाद आप फिर से यू नो भाई के अवतार में आए हैं और इस बार भी आपके सामने अनिल कपूर होते हैं. इस बार थोड़ा फनी में भाई बन रहे हैं, तो इस केमिस्ट्री के बारे में आपको क्या कहना है और अपने रोल के प्रेपरेशन के बारे में आपको क्या कहना है? जी आई थिंक एज फार एज द रोल इज कंसर्नड, ये एक भाई का रोल है, जैसे आपने कहा इट्स अ कॉमेडी फिल्म. और इस रोल में जितना भी कुछ मैंने किया इट्स थैंक्स टू मिस्टर अनीस बजमी. अनिल सर के साथ जो मेरा केमिस्ट्री है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वी वर्क टुगेदर इन शूट आउट एट वडाला. और नाना सर के साथ टैक्सी 9-11 में, परेश सर के साथ गरम मसाला और एक आध और फिल्म में, सो केमिस्ट्री इज रियली स्पेशल. और इन सबसे मैंने काफी कुछ सीखा है. एंड क्रेडिट तो सिर्फ अनीस भाई को देना चाहता हूँ, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने मुझे इसमें गाइड किया आई थिंक इज रियली रियली स्पेशल. फिरोज जी, मेरा आपसे सवाल है, ऐसा खबरें आई हैं कि जो मूवी है, भले हमने ट्रेलर में देखा सितंबर 4 को रिलीज हो रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आप शायद पोस्टपोन करने वाले हैं सितंबर 11 को, जस्ट टू अवॉइड क्लैश विद हीरो. कितनी सच्चाई है इस बात में? वी आर कमिंग ऑन द 4th ऑफ सितंबर, दैट्स कंफर्मड, एंड दैट्स ऑल आई कैन से फॉर अस. एंड आई वुड रिक्वेस्ट द मीडिया, वी रिस्ट्रिक्ट द क्वेश्चंस, जस्ट टू वेलकम बैक प्लीज. बट एज फॉर द मूवीज रिलीज डेट इज कंफर्मड, वी आर डेफिनेटली ऑन 4th सितंबर. थैंक यू. Hi, this is Akanksha here to Mr. Bazmi. Why is Akshay not a part of the sequel? Akanksha, ये जो पहली फिल्म है जहाँ हमने खत्म की थी, वो फिल्म जो है अपने आप में एक कंप्लीट फिल्म थी, वहाँ खत्म हो गई. वो रोल जो है अक्षय जी का जो था, वहाँ पर अक्षय एंड कतरीना एंड मल्लिका, ये तीनों के रोल वहाँ खत्म हो गए थे. ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से जो फिल्म शुरू होती है उसमें जो हीरो है वो अच्छे हो ही नहीं सकते थे, इसलिए कि पहली फिल्म में वो थे, वो शरीफ से इंसान. इसीलिए जो हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि इसमें जो बेस्ट नजर आएंगे और इस तरह का रोल जो है वो उसके साथ पूरा इंसाफ कर सकेंगे वो है जॉन. एंड जॉन ने बहुत ही खूबसूरत काम किया इस फिल्म में. श्रुति आना चाह रही थी, उसने बहुत कोशिश की, बट उसकी शूटिंग है दुबई में. लेकिन जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम रखेंगे उसमें श्रुति, टिम्पल जी, परेश भाई एंड नसीर भाई, ये सारे लोगों का आप मिल पाएंगे. मैरियट में मिले कब करने का भाई? आप लोग सारे लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब लोग जो है वो मैरियट में हम लोगों को ज्वाइन कीजिएगा, वहां बहुत मजा आने वाला है. नाना जी, अनिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं, क्या कोई सवाल ही नहीं कर रहा यार, ये क्या तरीका है? इतने लोग बैठे हैं, कोई सवाल, कुछ तो सवाल करो, कुछ है आपके जहन में, कुछ टेढ़ा वाका जो भी सवाल करो. नाना जी, आप बहुत कम मूवीज में दिखते हैं, तो क्या कारण? अरे कोई लेता ही नहीं यार. अनिल जी, अनिल जी, माय क्वेश्चन इज टू यू सर. नाना सर थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है ऑन सेट्स, कभी भी थोड़ा भी कुछ बुरा लगता है? 10 मिनट पहले झगड़ा हुआ है इधर, कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, इतना बड़ा स्क्रिप्ट हमको अभी हाथ में थमा दे रहे हैं. हमने कहा यार रिहर्सल नहीं कुछ नहीं, ऐसे कैसे करेंगे? तो मैं बेचारा वो कंपेयर करने वाला था, मैंने कहा गलत सवाल किया तो मैं मारूंगा, तो बोलता यार आप काय को मारेंगे, माफ करना यार. अभी क्या करेंगे? अभी देखो यार यहाँ तो एक ही बात हो सकती है, फियास को रटने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है कि नहीं? इनको लगता है कि नहीं बहुत स्वयंभू तो है नहीं, हम ये लिखते हैं हम बोलते हैं, ऐसे थोड़ी है, झगड़ा बहुत होता है यार. मुझे लगता है, देखिए एक बात बताओ, जहां तक एक्टर और डायरेक्टर का ताल्लुक राइटर का होता है, मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छी बात है कि भाई या तो कन्विंस हो जाइए या कन्विंस कर दीजिए, क्योंकि एक एक्टर जो बिल्कुल सवाल ही नहीं करता है और सिर्फ काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कितना इंटरेस्टेड है फिल्म में काम करने में. लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्टर्स हैं, इतनी बड़ी फिल्म बनती है जब, तो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं और सबके जहनों में अपने सवाल होते हैं और वो होते हैं. लेकिन मुझे लगता है एज ए राइटर डायरेक्टर अगर आपने मेहनत की है स्क्रिप्ट पे और अगर आपने उस फिल्म को जिया है,
और उस फिल्म को सोचा है और अगर आप क्लियर हैं तो मुझे लगता है उतनी तकलीफ होती नहीं है, इसलिए कि लास्ट में मामला यही है कि जो ये होता है जो डिस्कशन वो सिर्फ इसलिए होता है कि किस तरह हम जो मेहनत कर रहे हैं वो और अच्छी हो, तो वो जो रिएक्शन होते हैं उनके वो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आपको एज ए राइटर डायरेक्टर ये पता है कि आप क्या फिल्म बना रहे हैं वो क्लियर हो जाता है और कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होती। नहीं, एक थोड़ी सी बात ऐसी होती है कि इनको हम हमेशा कहते हैं कि भाई सीन जरा थोड़ी जल्दी दे देना ताकि वो जहन में रह जाए, ये रात को लाके वो हमारे होटल के इधर से अंदर से सरका देते थे रात को 3 बजे, उनको 2 बजे सूझने लगता है। नहीं, मुझे बोलने दो। अब ये चाहते हैं कि हम दूसरे दिन करें। एक एक्टर करके इनसिक्योरिटी भी होती है, यार इसको क्यों इतनी अच्छी लाइनें दी है, मुझे क्यों दी, ऐसे होता है ना, ऐसे थोड़ी बोले चलेगा। तो डिस्कशन उसके ऊपर भी होता है, यार मेरी पंच लाइन क्यों नहीं, इसकी क्यों है, इसकी क्यों है, मेरी क्यों नहीं है, तो उसके ऊपर बहस ज्यादा होती है। अनिल सर, मैंने नाना जी को बताया भी था, क्या है कि स्क्रिप्ट जो है वो लिखी होती है, सीन्स लिखे होते हैं, बट मुझे लगता है कि एक जो सिर्फ डायरेक्टर होता है वो एक बाइंड स्क्रिप्ट को जो है वो एक चीज मानकर वो शूट कर सकता है, लेकिन जब एक राइटर आप होते हैं तो आपके साथ एक एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी ये होता है कि आपको जब सुबह शूट करना है तो रात को बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू होती है, और अच्छा खासा जो लिखा हुआ सीन है जिसको लोगों ने सुना है और बहुत वाह वाह किया है वही रात को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें भी बहुत कमियां हैं, तो वो एक दुश्वारी है। ये एडवांटेज आपका है, डिसएडवांटेज हमारा है। अनिल सर, फिर से मजनू भाई बनना कितना एक्साइटमेंट रहा, कितना अच्छा लगा, और बार बार आप अड़ंगा क्यों लगाते हैं जॉन को और इनके बीच में? देखिए, एक तो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि 7 साल के बाद मैं कर रहा था, कोई भी कैरेक्टर हो कोई भी रोल हो हर साल मैं करूंगा तो आपको भी बोर करूंगा और खुद भी बोर हो जाऊंगा, तो काफी अरसे के बाद ये रोल जब करने का मौका मिला और अनीस साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, फिरोज साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं और नाना साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। देखिए, जब तक फिल्म में जब अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं साथ में, जॉन साहब हैं, परेश हैं, नसीर हैं, तो करने का मजा ही कुछ और होता है। तो मजनू भाई जो है ये पूरा जो माहौल है इस फिल्म का उसमें जो करने का, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि इतने बड़े फनकारों के साथ मुझे ये कैरेक्टर करने को मिला है। मैं अकेला अगर सॉलिट्यूड या अकेले में ये मजनू भाई करूंगा तो मजनू भाई जो है एकदम फ्लैट हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरह लिखा गया है और जैसे कि नाना साहब हमेशा कहते हैं कि मजनू के बिना उदय नहीं, उदय के बिना मजनू नहीं। लेकिन जॉन 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 यस, नाना सर इज सेइंग समथिंग। नहीं नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू है, इधर उधर वैसे है ये दोनों कैरेक्टर। तो कह रहे जॉन 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 आपकी बॉन्डिंग ऑन